आज हम एक ऐसे मसीहा की जन्मदिन मना रहे हैं जिन्होंने बाबा साहब के बाद इस समाज को जगाया है, इस भारत के अंदर करोड़ों करोड़ों दलितों को जगाने का काम किया। इस मसीहा के जन्मदिन के अवसर पर हम उपस्थित हुए, इकट्ठा हुए हैं। पार्टी के संस्थापक माननीय कांग्रेस साहब का 50वां जन्मदिन दिवस मनाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे स्वसाहब हमारे शंकरलाल कदम जी, आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष महोदय, हमारे मंच संचालन कर रहे हमारे राजेंद्र जाधव जी, हमारे जिला के सचिव आदरणीय हमारे दीवान सिंह बघेल साहब, पूर्व प्रत्याशी हमारे होली से कैलाश कुशवाहा जी, हमारे सभी विधानसभाओं से आए हुए हमारे महानुभाव, पार्टी के अध्यक्ष महोदय, पार्टी के सेक्टर। आज हमारे मसीहा का जन्मदिवस पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इन्होंने पूरा समय हम और आपके लिए पूरी जी जान लगा दी है। ऐसे महापुरुष को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। जब देश आजाद हुआ था उस समय ऐसी व्यवस्था थी कि वोट डालने का अधिकार तो हमको था लेकिन राजा बनने का अधिकार नहीं था। इसलिए कांजीराम साहब ने मन में विचार बनाया, बाबा साहब की किताबों को पढ़ा, बाबा साहब को पढ़ा, तब कांजीराम के मन में एक विचार आया कि समाज को हुक्मरान कैसे बनाया जाए, इनको राजनीति का पाठ किस तरह पढ़ाया जाए। इसलिए सम्मानीय साथियों, मानवर साहब कांजीराम ने देश के अंदर बाबा साहब को पढ़ने के बाद में इसके अंदर एक साइकिल चलाई, 1000 किलोमीटर साइकिल चला करके पूरे देश का भ्रमण किया और उन्होंने अपनी समाज की दशा और दशा सभी को देखा। उन्होंने के मन में एक विचार आया कि इस समाज को राजनीतिक पाठ पढ़ाना बहुत जरूरी है, सभी लोग आगे बढ़ेंगे। ये बहुत बड़ी विडम्बना थी सम्मानित साथियों कि राजनीति में आने के लिए साहब कांतिराम ने अपने परिवार को छोड़ा, अपनी नौकरी को त्यागा। चाहिए ये देश के अंदर मानवीय ताकतें फनोटा रही हैं और हमारे समाज को और कि आज के दिन को भी हमारे लोग इस तरीके से मना रहे हैं जैसा आप देख रहे हैं। यहाँ की स्थिति आप देख रहे हैं। आपको मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि हमारे बीच में 1848 से लेकर और जब हमारा देश आजाद हुआ था, हमारे समाज के लोगों ने, हमारे समाज के महापुरुषों ने हमारे लिए एक सामाजिक क्रांति की थी। और वो सामाजिक क्रांति क्या थी? वो सामाजिक क्रांति आपके लिए एक दिशा और दशा देने वाली सामाजिक क्रांति थी। साथियों, उस समय आपने देखा होगा, आप किताबों के माध्यम से जान सकते हैं, हालांकि किताबों में वो लिखा है जितना, उससे कहीं ज्यादा हमारे साथ अत्याचार होता था, लेकिन किताबों के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं कि हमारे महापुरुषों ने जो सामाजिक क्रांति की थी, जो सांस्कृतिक क्रांति की थी, कितना उन्होंने संघर्ष किया होगा। आप इसे अनुमान लगा सकते हैं। मैं वो बात बताना चाहता हूं आपके बीच में, एक बेबाक लीडर जिन्होंने महापुरुषों ने, जिस महापुरुषों ने हमारे बहुजन समाज को, तुम्हारी मायावती जी जो काम कर रही हैं बस उसी के द्वारा हो रहा है और लोग काम नहीं कर रहे। जो जिनका काम है वो पूरा किया जाए।